Hello everyone, this is RJ Tripti Dua from a favorite radio mirchi, 98.3 FM. India is all set to celebrate its 74th Independence Day. Here we are sitting with a great Indian freedom fighter, Begum Hazrat Mehr Ji, who played a major role during India's first war of independence in 1857 to 1858. Assalamu alaikum. To Begum Ji, जैसा हम लोग जानते ही हैं कि आप जब अपनी सेना बनाई थी तो उसमें महिला ही क्यों थी, क्या इसकी वजह ये थी कि आपको लगा कि आदमी कमज़ोर है? ऐसा नहीं है, हमने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं किया। हम चाहते थे कि समाज में बदलाव है। हमारा पुरुष वर्ग बहुत काबिल है, परंतु हम महिला इससे ज़्यादा काबिल हैं। बिल्कुल बेगम जी, आपकी सोच तो आपकी तरह ही नेक है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आपने विद्रोह किया था और नवाब बाजीराव को आपसे दूर कोलकाता भेज दिया था, तो आपने अवध की बागडोर कैसे संभाली? पहले तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो गया था, परंतु कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। ये सोचकर मैंने अवध के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी जंग आरम्भ करी। वाह बेगम जी, आपने तो इन अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सो बेगम जी, माय थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन यू टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लाक्सवेयर, व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस्ड? During the revolt of 1857 against the doctrine of Labs, I was very agitated, as the house wanted me to send a Lucknow, but I gave word to the King's Station. But after the fall of Lucknow, I escaped to Kathmandu. In this male-dominated society, I had to make my son Virjas Khadal the Wali of Awadh, as I was forced to abandon my role of taking charge of the affairs in the state of Awadh. So, Begum Ji, आपने तो इस पुरुष प्रधान समाज में भी साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। यह तो नारस्तु पूजयंते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो नारियों की गोद नहीं कर पाए। बहुत खूब, तभी तो हम अपने देश को भारत माँ जग जननी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम जी अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।